नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से जवान फिल्म के बारे में। इसका आज डे 18 है और आज संडे है, थर्ड वीक का। किस तरह से कमाई होने वाली, क्या कुछ होने वाला है, सब चीजें बताने वाला हूँ दोस्तों। अभी तक कल का ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, लेकिन मांग के चलिए 13 करोड़ तक का आंकड़ा ये फिल्म ने जरूर कमाया होगा। और उस हिसाब से इसका टोटल कलेक्शन नजर आ रहा है 493.54 करोड़ के आसपास, 493 करोड़ के ऊपर। आज जो इसका है ये 18th डे है। और मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक शाम को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करेगा, साथ ही बेल बटन आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। सिर्फ वीडियो देख के जाइएगा नहीं, रुकिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन और हिम्मत मिलती है आगे खबरें बनाने के लिए। तो यहाँ पर चीज ये है कि आज ही फिल्म का जो पकड़ है बहुत स्ट्रांग है। और मैं देख रहा था कि कम से कम 8,000 के आसपास टिकट बिके पिछले घंटों में, जो सुबह सुबह ट्रेंड है ये, उससे आपसे बहुत अच्छा है। और यहाँ पर ये फिल्म 15 से 17 करोड़ कमाने का आज दम लगती है, 15 to 17 करोड़। और इस रेंज में इसका कलेक्शन आ जाएगा तो फिल्म का टोटल हो जाएगा 508.54 करोड़ से 510.54 करोड़, यानी कि 508.54 करोड़ से 510.54 करोड़। और एक और बात कहना चाहता हूँ, आज ये फिल्म किसी भी हाल में 500 करोड़ की कमाई कर लेगी और शाहरुख खान के फिल्मी कैरियर में ये फिल्म बैक टू बैक 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन जाएगी। ना केवल 500 करोड़ क्लब की शुरुआत शाहरुख खान ने की, बल्कि बैक टू बैक दो फिल्में दी है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और आने वाले 2 से 3 दिनों में ये गदर 2 और खुद पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी दोस्तों। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।